रूस में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है और व्लादिमीर पुतिन के आगे कोई क्या खड़ा हो सकता है? क्या कोई व्लादिमीर पुतिन को रूसी चुनाव में मात दे सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन के सामने कौन है वो कैंडिडेट जो उन्हें दे रहा है चुनौती। पुतिन के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि तीन लोग प्रेसिडेंट उम्मीदवार के लिए चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इन तीनों लोगों में से क्या कोई वो शख्स है जो पुतिन को चुनौती दे सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो तीनों ही पार्टी है जो इस वक्त पुतिन के सामने खड़ी है वो क्रेमलिन फ्रेंडली बताई जाती है, यानी कि उनका पुतिन के सिस्टम से बड़े ही मित्रवत व्यवहार रहा है। वो बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी नहीं माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है निकोलाई खारिंतनोव का, जो 75 साल के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार हैं, जो पुतिन के खिलाफ साल 2004 में चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें उस वक्त 13% वोट मिला था। ये पुतिन से काफी फ्रेंडली माने जाते हैं और बहुत ज्यादा ये मुखर विरोधी पुतिन के नहीं रहे हैं। वही बात अब दूसरे उम्मीदवार की करें तो दूसरा उम्मीदवार है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 56 साल के लियोनिड सुल्स्की। ये हार्डलाइन नेशनलिस्ट हैं और इन्होंने यूक्रेनी बंदियों को एग्जीक्यूट करने तक की मांग की हुई है। ये स्टेट डूमा के सीनियर मेंबर हैं, ये 56 साल के हैं और ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया के नेता हैं। इन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया को तब टेक ओवर किया जब साल 2022 में जब इस पार्टी के नेता व्लादिमीर जिरिनस्कोब्स्की मौत हो गई। सुल्स्की को यह बताया जाता है कि वो पूरी तरह से एंटी वेस्टर्न व्यूज के लिए प्रख्यात हैं और वो लगातार रूस के पक्ष में रूस के दुश्मनों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की अनुशंसा करते रहे हैं। वहीं तीसरे उम्मीदवार की बात करते हैं तो तीसरा उम्मीदवार है व्लादिस्लाव दावनकोव। ये डेप्यूटी चेयरमैन है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के और स्टेट डूमा में ये एक लॉ मेकर है। इनकी पार्टी का नाम है न्यू पीपल पॉलिटिकल पार्टी, जिसे बनाने में मदद की उनके पिता ने। इनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। ये पॉलिटिकल पार्टी साल 2020 में ही बनी है। दावनकोव सबसे युवा उम्मीदवार है जो इस वक्त पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें कई तरह का स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है, जिसमें से पुतिन के हाथों भी उन्हें सम्मान मिल चुका है। उनका कहना है कि वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब वक्त है बदलाव का और वक्त है नए लोगों का। दावनकोव लगातार इस बात के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं कि वो इस सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की निजी स्वतंत्रता पर किसी तरह का कुठाराघात ना हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो रूसी राजनीति में लोगों के प्रति थोड़े ज्यादा उदार रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुतिन के खिलाफ ये तीन लोग भले ही खड़े हों, लेकिन इनका जीतना बेहद असंभव माना जा रहा है, क्योंकि ये तीनों ही उम्मीदवार अलग अलग सर्वे के दौरान महज 4-5% तक वोट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।